मिनी आप किसको देख रहे हैं? नो 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 ये वाले ले लो मम्मा, ये अच्छे थे। मैं ही गई थी। चल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। रात के 9 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट घर पहुंची हूँ अपने, और अब मैं किचन में आई हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ। चिकन फ्रेंड्स, हम आज बनाने वाले हैं शिमला मिर्च और चिकन मिक्स करके। मैं थोड़ा सा जल्दी से क्विक सा एक रेसिपी बनाऊंगी और मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत जल्दी जल्दी में, क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं है। रात के 9:15 हो गए हैं, खाना खाना है तो सब वेट कर रहे हैं डिनर का, तो डिनर फटाफट मैं बनाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो अब हम सबसे पहले तो डालेंगे यहाँ पर प्याज, क्योंकि प्याज के बगैर तो कोई सब्जी बनती नहीं है। हाँ, प्याज के बगैर सब्जी बनती है, तो कभी अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैंने अब डाल दिए प्याज। प्याज को मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, इसके साथ में मैं फटाफट जो है शिमला मिर्च मैं डाल दूंगी। तो अब फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च। पूरी नहीं डालती मैं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इतनी बचा ली है। ये 300 ग्राम शिमला मिर्च थी, तो 300 ग्राम में से मैंने 50 ग्राम निकाल दिए, किसी और चीज़ में काम आ जाएगी। अब हमने प्याज को ज़्यादा नहीं भुना है, लेकिन शिमला मिर्च जो है ना, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जो है वो भूनूंगी, ठीक है। कोई क्रंचीनेस नहीं रखना है, कच्चा नहीं रखना है मैंने, क्योंकि कुकर में अब सीटी लगेगी तो ये ऑलमोस्ट नरम हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूंगी।
तो अब इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। ये मैंने 1.5 स्पून जो है वो ऐड किया है। मतलब बड़ा जो टेबल स्पून होता है उसका लगभग 1.5 चम्मच। तो अब इसमें हम डालेंगे ड्राई मसाले। पहले मैं डालूंगी नमक, हल्दी, ये तो मसाले आप अपने हिसाब से डाल ही सकते हो। और रेड चिली ये मैंने डाला है छोटा, 1 और आधा चम्मच। गरम मसाला मैं डालूंगी 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 टीस्पून डाल रही हूँ। डाल दूंगी इसमें टमाटर, तो ऑलमोस्ट इसमें इतने ही मसाले पड़ेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। तो चिकन मैंने थोड़ा ही लिया था, ये मतलब कुछ ये भी कुछ 50 ग्राम से ज़्यादा ही है, क्योंकि मैंने उसे पता कि एक ही टाइम में ये चीज़ बन जाएगी, तो इसलिए अब हम थोड़ा सा इसको 5 मिनट के लिए जो है छोड़ देंगे स्लो पे। इसको मैंने भून लिया है। अब थोड़ा सा मुझे इसमें चाहिए तरी, तो मैंने इसमें डाल दिया पानी। बस मैंने कम से कम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है, और अब इसको हम 2 सीटी होने तक इसको कुक करेंगे। उसके बाद हमारी ये शिमला मिर्च चिकन रेडी। हम वेट करते हैं सीटी का। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सालन आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे कि मुझे आज चावल के साथ और कुछ भी नहीं था, तो मैंने ये जो है तरी टाइप बना लिया। लेकिन अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हो, तो आप इसको विदाउट पानी, मतलब थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको, या पानी बिल्कुल भी ना डालें और इसमें तेल में भी इसको अगर पकाएंगे तब भी ये जो है डिश बहुत अच्छी बनती है। तो हमने तो खैर चावल के साथ खाने थे, तो इसलिए मैंने जो है सालन बना लिया। एक बार प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स ये लीजिए आपके सामने हाजिर बिल्कुल फटाफट। ये फ्रेंड्स 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। सिर्फ आपकी जो कटिंग है उसमें टाइम लगता है, उसमें भी हार्डली 5-6 मिनट लगता है। और ये डिश बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। कभी भी आपके पास बस ये होना चाहिए कि आपके फ्रिज में चिकन होना चाहिए, तो आप सिर्फ शिमला मिर्च ले आएँ और ये बनाएं, तो ये मेहमानों को भी बहुत पसंद आता है। अगर मेरी ये डिश आपको पसंद आती है, मेरा ये वीडियो आज का आपको पसंद आता है, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलूंगी आपको नए वीडियो या ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सुबह से गई थी, जब से बिल्ला हमारे घर में आ रहा है ना, तब से दोनों माँ बेटी इतने चिढ़ रहे हैं ना घर में आने के लिए, कि जल्दी आ नहीं रहे हैं।
और अब बज रहे हैं रात के 11 बजने वाले हैं और ये मैडम अभी आई है और इनकी बेटी का तो कोई अता पता है नहीं कि वो आएगी कि नहीं आएगी। चलो लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जानवर हैं, इंसान तो नहीं है कि एक दूसरे को समझ लेंगे, बट देखते हैं क्या होता है। अगर ये इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो हम मोनू को भी रखेंगे, अगर इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर मोनू को बाय बाय। तो आज के लिए मेरा वीडियो यहीं तक, तो मेरा भी आपको बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।